guys, what's up? कैसे हो यार? सो जी एंड डूई के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डूई जो होती है वो जिया के लिए खाना बना लेती है एंड वो लोग जी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं एंड वहाँ पे कोई ऐसी बात होती है जिससे जिया को थोड़ा सा ना बुरा लग रहा होता है ना, कि मतलब उसे बड़े होने के बाद या फिर बचपन में उतना फैमिली का प्यार नहीं मिला जितना सबको मिलता है। सो मतलब उसी चीज़ को लेकर परेशान होती है एंड वही उसे समझाती है, उससे पैर से बात कर रही थी, उसको माइंड डाइवर्ट कर रही थी। तो जी ये लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद वही कहती है कि इन बर्तनों को ना मैं धो देती हूँ, इतने तुम जाओ रूम में। तो जी कहती है यार तुम भी धोगी, सुबह वो आएंगे अपना धो लेंगे। तो वही कहती है नहीं यार अच्छा नहीं लगता ना। कहती यार उन्हें हम सैलरी किस बात की देते हैं, तुम दोगे क्या, तुम रख दो इसे वो अपने आप धो लेंगे। तो जी जिया जो होती है वो रूई से बर्तनों को रखवा देती है, मतलब कि वो डाइनिंग टेबल पे ही छोड़ देते हैं ना बर्तनों को। तो जी उसे ले जाती है रूम में एंड जिया रास्ते में यही सोच रही थी ना, मतलब नीचे से ऊपर तक जाने में यही सोच रही थी ना कि किस तरीके से मैं रूही को तंग करूँ, परेशान करूँ, मतलब इस साथ खेलूँ। तो जी वो जैसे रूम में पहुँचते हैं तो जिया के रूम में क्या है ना, मतलब एक स्मेल सी हो रही होती है ना, उसने परफ्यूम बहुत डाला था रूम फ्रेश ना। तो रूही कहती है यार तुम्हारे रूम में ना एक अजीब सी खुशबू सी आ रही है यार, मतलब एक अट्रैक्टिव सी खुशबू सी। तो जो रूही ऐसे बोलते हैं तो जिया कहती है कि यार तुम हो ना, तुम्हारे आने से इस कमरे में तो क्या मेरी ज़िंदगी में भी खुशबू ही खुशबू हो गई। तो रूही ना मुस्कुराती है कि अच्छा जी ऐसी बात है। तो जी कहती है हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में तो एक अलग सी खुशबू सी महक रही है। तो रूही कहती है कि वाह 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 झूठ बोलना तो वही आप इसे सीखे। तो जी कहती है यार सच बोलो तब भी तुम्हें झूठ लगता है, झूठ कहती हूँ तब भी तुम्हें झूठ लगता है, मतलब तुम्हें हर चीज़ झूठ ही लगती है ना। तो रूही कहती है वाह बातें बनाना भी तुमसे ही कोई सीखे। तो जी कहती है वाह प्यार करना भी कोई मुझसे सीखे। तो रूही कहती है क्या, तो जी कहती है क्या, तो कहते तुमने क्या कहा कि जिया कहती है कि मैंने कुछ कहा, मतलब मैंने तो सिर्फ मतलब तुम्हारे सेंटेंस को ख़त्म किया ना यार, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो भी कहते अच्छा अच्छा चलो तो सोते हैं अब। तो जिया कहते इतनी जल्दी, तो भी कहते हाँ यार इतनी जल्दी क्या यार 9 बज गए हैं सो जाते हैं। तो जिया कहते यार प्लीज़ तुम मुझसे ये सो कोल्ड वाली बातें मत करना कि इतनी जल्दी सो जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। तो रूही कहती है अच्छा तो फिर क्या करती हो। तो जिया कहती है कि इस टाइम तो मैं घूमती हूँ और हम चल रहे हैं जी छत पे घूमने के लिए। तो जी ये दोनों चले जाते हैं छत के ऊपर एंड वहाँ पे घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है, तो मतलब काफ़ी सुहाना सब मौसम होता है। तो जी ये दोनों जी चले जाते हैं घूमने के लिए एंड मतलब हवाओं का बहुत अच्छे से मज़ा ले रहे होते हैं ना दोनों। तो मुझे कहते कि यार मतलब मैं जब भी ऊपर छत पे आती हूँ ना तो मतलब ऐसे लगता है कि वाओ बस एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होता है ना। तो रूही कहती है कि यार तुम ये चीज़ तो बिल्कुल सही कह रही हो ना यार, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे कि एकदम फ्रेश फ्रेश सा है, सुकून है, ठंडक है, मतलब बड़ा ही अच्छा सा मौसम हुआ पड़ा है ना। तो मुझे कहते बिल्कुल। तो जी उनकी छत पर होते हैं मतलब ना बैठने का सेट वगैरह सब कुछ होता है ना। तो जिया थोड़ा सा घूम करके ना वहाँ बैठ जाती है एंड रूही घूम रही होती है। तो जिया जो होती है वो रूही को बस निहारे जा रही होती है ना, तो रूही की नज़र पड़ जाती है कि जिया उसे देख रही है। तो रूही से बोलती है कि व्हाट क्या हुआ। तो जिया कहती है कि नहीं कुछ नहीं मैं तो बस देख रही थी ना। तो जिया को लगता है ना कि यार जिस तरीके से वो हाथ ऐसे करती है उसे सर्दी लग रही है। तो वो वहाँ पर ना जैकेट रखी होती है एक जिया की, तो जैकेट पहनाती है जी रूही को पीछे से। तो रूही कहती है कि तुम्हें कैसे पता यार मुझे सर्दी लग रही है। तो जिया कहती है कि यार तुम्हारी हर ज़रूरत का पता मुझे है, तुम्हें कब क्या चाहिए होता है, तुम्हें कब क्या लग रहा है, मुझे सब पता होता है। तो रूही जो होती है उस तो बड़ी खुश होती है ना दिल दिल में और कहती है यार थैंक यू ना मुझे लग रही थी सर्दी। और अब अपन घूम भी लिए ना मतलब आधा अपन घंटा वहाँ पर आराम से बिता लेते हैं। तो कहते हैं चलो अब नीचे चलते हैं ना यार। तो जिया कहती है कि यार अभी इतनी जल्दी क्या, अभी तो घूम रही है ना। तो रूही कहती है कि यार घूम लिए ना चलते हैं ना अब नीचे के लिए। तो जिया कहती है कि अच्छा ठीक है चलते हैं कोई बात नहीं, तुम कह रही हो तो चल भी लेते हैं। तो जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो जिया ना उसे एक रूम दिखाती है वहाँ पे साथ में जो होता है ना मतलब एक
कॉर्ड टाइप मतलब कुछ बना होता है ना छत पे, ताकि बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पे रुक सके। तो वो उसे दिखाती है कि यार ये देखो ये रूम है, बचपन में तुम्हें पता है जब मैं ना छोटी थी तो मम्मी पापा से छुप करके नाराज़ होती थी ना, तो यहीं आके छुप जाती थी और वो मुझे पूरे घर में ढूंढते रहते थे ना, मैं उन्हें मिलती नहीं थी। तो वो कहते हैं अच्छा तुम बचपन से ही शैतान हो ना, मतलब तो ये कहते हैं ऑफकोर्स यार बचपन से शैतान हो, तुम्हें क्या लगता है बड़े होने के बाद हुई हो? दोनों कहते हैं नहीं 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 तुम्हारे यार को तो लगता है कि बचपन तुम्हारा अभी तक नहीं गया। तो जी ऐसे लग जाती कहते हैं अच्छा जी बचपना मेरा अभी तक नहीं गया। तो रोई कहते नहीं बिल्कुल नहीं गया ना, तुम आज भी वही हरकतें करती हो, वही नौटंकी तुम्हारी, वही तंग करना है ना। तो जो जी होती वो हंसने लग जाती कहती वाह मेरा बचपन अभी तक नहीं गया और जैसे तुम्हारा तो चला गया ना। तो रोई कहते ऑफकोर्स चला गया यार मैं मैच्योर हो गई। तो जिया कहती है कि तुम और मैच्योर, मजाक अच्छा है ख्याल भी अच्छा है। तो जी तो आपस में बात कर रहे थे ना, हंसी मजाक कर रहे थे एंड रुई जो होती है वो थोड़ी सी थक जाती है, कहती यार मेरे को इतनी आदत नहीं है ना लेट नाइट जागने की, तो सोते हैं ना। तो जी जिया जो होती है कहती है अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हें अगर सोना ही है तो हम फिर सो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जी ये लोग चले जाते हैं जी नीचे और जी जिया के रूम में चले जाते हैं। तो जिया जी होती है वो उसे रूम में ले आती है एंड रूम को कर देती है जी अंदर से लॉक। तो रूही जो होती है वो वॉशरूम चल जाती है। तो जी सोचती है कि यार अब मैं क्या करूँ, कैसे इसको तंग करूँ, कोई आइडिया आइडिया आइडिया। तो उसे एक आइडिया आता है। तो जी जिया जो करती है एक छोटा सा काम, वो बेड पे जहाँ पे रूही की साइड होती ना वहाँ पर है ना पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही रूही आती है ना तो जी किसी मतलब फ़ोन उठाने के बहाने से मतलब जो गिलास होता है ना पानी का भरा हुआ वो रूही की सीट पर बिखेर देती है। तो जी कहती है सॉरी यार सॉरी, मतलब गलती से बिखर गया ना यार, आई एम सो सॉरी यार तुम्हारी सीट पे बिखर गया। तो रूही कहती है यार अब मैं सोऊंगी कहाँ पे? तो जी कहती है यार प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो रूही कहती है कि कोई बात नहीं यार बेड तो बड़ा सा है ना, तो अपन दोनों इस साइड सो जाते हैं। तो जिया कहती है कि श्योर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो रूही कहती है क्या प्रॉब्लम होगी यार तुम्हें, तो तुमसे क्या प्रॉब्लम? तो जो जिया होती है ना जी वो अपने साइड पे चली जाती है एंड रूही को बीच में कर देती है ना। तो वहाँ पे काफ़ी किला होता है तो इन दोनों के बीच में ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो रहा होता ना, मतलब ये बहुत क्लोज क्लोज हो जाते हैं। तो जिया को तो बड़ी खुशी हो रही होती है ना कि वाह ये मेरे साथ है, मतलब बस उसने खुद को कंट्रोल करा होता है ना, वरना वो और कंट्रोल बिल्कुल भी ना कर पाए ना ऐसा। तो जी जिया जो होती है ना मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे एंड रूही मतलब थोड़ी बेचैन होती है ना, मतलब दिल में एक खलबली सी मच रही होती है जब दोनों साथ साथ होते हैं तो सो एक्साइटिंग यार। तो जिया जो है ना वो रूही से पूछती है कि रूही तुम सो गई यार? तो रूही कहती है नहीं यार पहले तो नींद आ रही थी पर अब नहीं आ रही। तो जिया कहती है कि यार मुझे भी नहीं आई ना। तो जिया लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो रूही को ना बात करते करते नींद आ रही होती है तो उसका जो हाथ होता है वो जिया के मतलब बॉडी पे चला जाता है जी, मतलब उसके पेट से हल्का सा ऊपर होता है ना। तो जिया को तो बड़ी खुशी हो रही थी ना कि यार इस मतलब नींद में सही नसीब तो हुआ। तो जी वो रूही की साइड देखती है, रूही सो चुकी होती है एंड रूही की गर्दन थोड़ी टेढ़ी होती है ना, तो जी उसके थोड़ी सी गर्दन साइड करके सिराना रखी रही होती है ना कि रूही जी अपना हाथ जिया के गले के पास ले आती है, जो सर होता है वो जिया के शोल्डर पे रख लेती है ना, मतलब उसके काफ़ी क्लोज आकर के सो रही होती है। तो जी जिया की तो नींद ही उड़ जाती है। तो उसका जो दूसरा हाथ होता है ना वो रूही को मतलब बैक से कवर कर लेते हैं ना, एक हग टाइप में सो रहे होते हैं दोनों आपस में। तो जिया जी उसके साथ सोते सोते मतलब सो ही जाती है, फिर उसको भी नींद आ जाती है। सुबह फिर मॉर्निंग में उठते हैं तो रूही के ना जल्दी आँख खुल जाती है, तो देखती है कि वो जिया के ऊपर सो रही है एंड मतलब जिया ने भी उसे हक कर रखा है। तो सोचती है कि यार हो सकता है ना रात को गीला हुआ पड़ा था सो हो सकता है कि ऐसे सो गए ना, तो इतना माइंड नहीं करती इस चीज़ को एंड उड़ जाती है, फ्रेश फ्रेश हो जाती है, ना धो लेती है ना मतलब समथिंग 7 बजे तक तो वो एकदम रेडी हो जाती है। तो वो देखती है कि जिया तो अभी भी सो रही है, तो वो जिया को उठाती है कि जिया उठो, मगर जिया जी कहाँ वो तो लेट लतीफ़ है ना जी, वो कैसे उड़ जाएगी इतनी जल्दी। तो इतने में ये ना रूही का फ़ोन बजता है, उसके पापा का फ़ोन आ जाता है एंड मम्मी का भी, तो वो बात करने लग जाती है, मतलब काफ़ी देर उनसे बात करती है तकरीबन आधा घंटा।
तो देखते हैं कि 8:30 बज गए, तो जी वो नीचे चली जाती है एंड वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ के जो सर्वेंट वगैरह होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं। तो रोहित कहते हैं कि आप लोग आ गए, तो कहते हैं हाँ मैम बताइए ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो कहती है यार ब्रेकफास्ट में, तो कहती है कि जिया क्या खाती है। तो वो बोलते हैं कि जिया मैम तो कोई फिक्स नहीं है ना उनका, जब भी उनका जो मन करता है वो वही खाती है। तो कहते हैं कि अधिकतर उसे क्या पसंद है, क्या खाती है वो। तो कहते हैं मतलब वो बताते हैं ना कि उसे पास्ता वगैरह काफ़ी पसंद है। तो कहते हैं ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो वो लोग कहते हैं नहीं मैम नहीं आप मत बनाइए ना, हम बना देते हैं ना। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं और आप फिक्र मत करो जी, आपसे कुछ नहीं गएगी ना, मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जिया ऐसे क्या कि वो उन लोगों को हटा देती है, जो खुद होता है ना वो अपने हाथों से जिया के लिए खाना बनाती है। इतनी जिया जी होती है उसकी भी नींद खुल जाती है, मतलब अपने हाथ ऐसे करती हूँ कहती रूही रूही कहाँ गई। तो थोड़ा परेशान हो जाती है ना वो, उठती है उसे रूही कहीं नहीं दिखती, तो इधर उधर नजर मारती दिखती है, तुरंत भाग के नहीं जाती। देखती है कि रूही जाओ डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पास में खड़ी है, तो जाके उसे ना हक कर लेती है, बहुत जोर से टाइटली वाला हक कर लेती है। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है कि यार तुम पागल हो गए यार, तुम मुझे बता के आ जाती ना नीचे क्या दिक्कत आ रही। तो रूही कहती है यार क्या दिक्कत आ रही, घर में ही तुम और मैंने तुम्हें उठाया था मगर तुम उठी ही नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम नहीं उठ मैं नीचे आ जाती हूँ। तो जिया कहती है पागल हो यार मुझे बता दिया करो ना। तो रूही कहती है यार रिलैक्स घर में ही तो हूँ, बड़ा कहीं गई हूँ। तो जी यार मतलब इतना रिएक्टिंग करते ना, वो कहती है कि यार छोड़ो अब क्या बोलूँ इसको। तो कहती यार तुम ना धोली रेडी भी हो गई। तो कहते हैं हाँ मैं रेडी हो गई। तो वो मन में सोचते हैं कि यार रात को जो इसने शॉर्ट्स डाल रखे थे यार कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो वो सोच के थोड़ा हंस रही होती है। तो जो रूही कहती है क्या हुआ। तो ये कहते कुछ नहीं यार तुम्हारे चक्कर में ना मैं ऐसे ही उठ के आ गई। हाँ छाटो तुम यहाँ से मुझे ना धो लेने दो ना। तो जी ऐसे क्या कि वो रूम की तरफ जा रही थी। रूही कहती है कि अरे सुनो तुम खाने नाश्ते में क्या खाओगी। तो जी कहती है यार जो तुम्हारा मन हो ना वही खाऊंगी मैं तो। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं मेरे मन का कर लूँ। तो जिया कहती है अजी आप अपने मन का कीजिए, आपको जो मन करे आप वो कीजिए। तो जी ऐसे कह के चली जाती है जी रूम में, चेंज वगैरह कर लेती है ना रेडी हो जाती है। सो जी वो आती है नीचे एंड जैसे ही नाश्ते पे मतलब नाश्ते के लिए प्लेट हो जाती है, देखती है कि उसका फेवरेट पास्ता बना होता है। तो कहती है कि पास्ता। तो रूही के साथ देखती है कहती तुमने बनाया। तो कहती है हाँ मैंने बनाया ना तुम्हारे लिए। तो जिया जो थे वो बहुत खुश जाती है, वो उसको ना हक करने के लिए उठती है, पर देखते हैं कि यार सारे लोग हैं मतलब जो सर्वेंट होते हैं ना वो वहीं खड़े होते हैं। तो कहती है मतलब कंट्रोल कर ले, कहती है कि वाह मतलब थैंक यू ना तुमने बनाया। तो जो वहाँ पर सर्वेंट होता है उसे कहती है कि तुम जूस ले आओ ना, एंड जो सेकंड वाला होता है उसे कहती है कि तुम एक बार पापा के रूम में ना चेक करो सब कुछ ओके है ना। तो जी वो दोनों को भेज देती है एंड जो रूही होती है उससे ना कहती है इधर आओ। तो जी रूही उसके पास जाती है, तो जी उसे बहुत ज़ोर से हक कर लेती है ना। तो कहती है कि थैंक यू सो मच ना तुमने मेरे लिए ये बनाया। तो रूही कहती है इसमें थैंक यू क्या बात है यार इट्स ओके। तो जी वो खाने लग जाती है, कहती है कि वाह ऑसम तुम मतलब है ना तुम खाना कितना टेस्टी बनाती हो ना यार यू आर ग्रेट। तो जी ऐसे आगे खाना खा रही होती है ना एंड रूही भी नाश्ता कर रही होती है। तो जी नाश्ता करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं एंड जिया कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम कर लो मैं गाड़ी निकाल देती हूँ। तो जी ऐसे कह के चली जाती है जी बाहर एंड गाड़ी निकालने के बाद वो फ़ौरन देती है। तो जो रूही होती है ना वो आती है कहती है कि ओके इतनी जल्दी निकाल भी तुमने। तो कहती है यार निकालनी तो थी, कौन सा मेरे को इसके अंदर सर्विस करवानी थी। तो ऐसे बोल के हंसने जाती है। तो रूही कहती है कि वाह बिल्कुल बहुत अच्छा जोक मारा ना, बिल्कुल हंसी नहीं आई। तो जिया कहती है अब हंसी नहीं आई तो मैं क्या करूँ, अब मैं तुम्हारे लिए नाचूँ जोकर बनूँ है नाटक करूँ जोक सुनूँ तुम्हें। तो कहती है कि अरे ना ना बाबा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिया जो होती है ना वो उठती है गाड़ी से मतलब उतरती है। तो रूही कहती है कि क्या हुआ। तो जिया जी जो होती है वो गाड़ी का गेट खोल कहती है अब बैठो ना। तो रूही को तो मतलब बहुत शाही सा फील हो जाता है ना, कहती है अच्छा जी थैंक यू सो मच। तो जी ऐसे जाके बैठ जाते हैं एंड जो जिया होती है वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला करके जी पहुंच जाती है ऑफिस। एंड जब वो तेज़ गाड़ी चला रही होती है तो रूही उसे चिल्लाती है कि यार तुम हाथ धो गई गाड़ी धीरे चला लिया करो कल को कुछ हो गया। तो जी ऐसे इनकी नोक झोंक होते होते जी पहुँच जाते हैं जी सेम टाइम पर ऑफिस एंड सर एंड देखते हैं यार अब नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है, क्योंकि अभी भी जिया के पास एक दिन का टाइम है मतलब एक दिन और एक रात, क्या वो रूही को एहसास करवा पाती है।
क्योंकि बस एहसास ही तो दिलाना ना यार, क्योंकि रोहित भी तो प्यार करती है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड प्लीज़ यार अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, लव यू ऑल गाइज़।